हर साल बजट आता है और देश की कमाई, खर्च, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर खूब सारे वादे किए जाते हैं, पर उसमें एक सेक्शन ऐसा भी होता है जहां पे सबको पता होता है कि कुछ अच्छी खबर है नहीं, पर फिर भी लोग बहुत बेसब्री से उस सेक्शन के आने का वेट करते हैं कि शायद कुछ अच्छा मिले। टैक्सेस का सेक्शन, और हमेशा की तरह सरकार चाहे किसी की भी हो, टैक्सेस के मामले में डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। और ये डिसअपॉइंटमेंट ज्यादातर सीधे साधे ईमानदार मिडिल क्लास लोगों को होती है, जो ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा जनता जो काम करती है उस पर तो टैक्स ही नहीं लगता। बिजनेसमैन के पास हजारों तरीके होते हैं टैक्स बचा लेने के। और फिर देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है जिनका आप पैसा ट्रैक ही नहीं कर सकते, तो बचते और बजते हैं मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज, जिनके लिए ईमानदार होने का मतलब अब सिर्फ पैसा लुटाना ही रह गया है। और इस पैसे से सिर्फ इन्हें छोड़ के देश के हर तरीके के लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। ना तो ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज पाते हैं क्योंकि वहाँ के स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, ना इन्हें अच्छा सरकारी हेल्थ केयर मिलता है, ना इन्हें साफ पानी, साफ हवा, कुछ भी नहीं मिलता। ये सिर्फ पैसे देते हैं ताकि देश के बाकी लोगों का भला हो सके। और ये सब होने के बाद जो बेयर मिनिमम उन्हें मिल सकता है इज्जत, वो भी इस देश में नहीं मिलती। पुलिस से लेके किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी एक टैक्स पेयर से रिस्पेक्टफुली बात तक नहीं करता। उसके दिमाग में ये तक नहीं होता कि जो सैलरी उसे मिल रही है वो उस टैक्स पेयर के टैक्स की वजह से मिल रही है। तो इस पूरे टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? क्या ये सिर्फ मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए ही बनाया गया है? आज डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया का टैक्स सिस्टम इतना खराब क्यों है, क्यों इतना पैसा देने के बाद भी हमें सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती हैं, हाई टैक्स रेट्स का कारण क्या है, साथ में कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे कि इतना सारी प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इंडिया में अगर ब्रॉडली काउंट करोगे 18 से ज्यादा टाइप के टैक्सेस हैं, और अगर डिटेल में काउंट करने गए तो थक जाओगे, टैक्सेस नहीं काउंट कर पाओगे। पैसे कमाओ तो टैक्स, खर्च करो तो टैक्स, इन्वेस्ट करो तो टैक्स, इन्वेस्टमेंट ना करके सेविंग्स अकाउंट में रखो तो टैक्स। पर इसकी पूरी प्रॉब्लम समझने के लिए हमें इंडिया का टैक्स सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। टैक्सेस मेनली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट जो आप सरकार को डायरेक्टली देते हो जैसे कि इनकम टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट जो कि आप सामान खरीदने पे सरकार को देते हो। हर सामान पे सरकार ने एक टैक्स रेट फिक्स किया हुआ है, आप जब सामान लेते हो तो उतना परसेंट पैसा सरकार के पास चला जाता है, जीएसटी इसी में आता है। इस सब का लॉजिक बहुत सिंपल है, सरकार टैक्सेस से पैसा लेती है और फिर उसे दूसरे डेवलपमेंट की चीजों पे, गवर्नेंस की चीजों पे खर्च करती है, जैसे कि सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स, रेलवेज, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल और बहुत सारी चीजें। पहले तो मैं ज्यादातर लोगों का मिसकंसेप्शन तोड़ता हूँ, इंडिया में हर कोई टैक्स नहीं देता है। हाँ, जीएसटी हर कोई देता है, पर जो लोग इनकम टैक्स के साथ साथ बाकी चीजें भी कर रहे हैं उनका बर्डन बाकियों से बहुत ज्यादा होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। तो 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से 8,18,00,000 लोगों ने ITR भरी और ये एक रिकॉर्ड था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ITR फाइलिंग की ग्रोथ देख के खुश हूं या देश का स्टेटस देख के दुखी, क्योंकि 142 करोड़ की आबादी वाले देश में 8 करोड़ फाइलिंग्स एक रिकॉर्ड बना रहा है। इससे पहले कि आप अपना पॉलिटिकल जजमेंट पास करो कि देश में लोग कमा ही कितना रहे हैं जो इतना टैक्स भरेंगे, इतनी आबादी तो कमाती ही नहीं है, नहीं, ये सिर्फ फाइलिंग बता रहा है। यहां पे ये 8 करोड़ लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, ये सिर्फ ITR भर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग वो भी हैं जो टैक्स नहीं भर रहे, जिनके जीरो ITR होती है, जिसे हम जीरो टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। इसी से कुछ महीने पहले जो मेन डेट होती है 31 जुलाई, उसके डेटा के अकॉर्डिंग 6,77,00,000 लोगों ने ITR भरी, जिसमें से 70% लोगों ने जीरो टैक्स लायबिलिटी वाली ITR भरी, यानी उन्होंने टैक्स एक रुपए का भी नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ITR भरी है। इसे आपसे कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 2% लोग हैं जो इंडिया में टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स। और अगर आपको लग रहा है कि हम भी तो GST भर रहे हैं, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं। पिछले साल देश का जो GST कलेक्शन था वो 9,56,000 करोड़ था और जो इनकम टैक्स कलेक्शन था वो 10,22,000 करोड़ था, यानी देश की पूरी आबादी जो टैक्स दे रही है वो 9,56,000 करोड़ बन रहा है और सिर्फ 2% जो आबादी पैसा दे रही है वो 10,22,000 करोड़ बन रहा है। तो आप बर्डन को कंपेयर भी नहीं कर सकते। इसके ऊपर से ये जो 2% की पॉपुलेशन है जो ईमानदारी से इनकम टैक्स भर रही है, GST भर रही है, फिर यही पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करती है तो उस पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगते हैं। मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो टैक्स, नहीं किया उसे अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा तो सेविंग्स बैंक अकाउंट पे जो उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे भी टैक्स। अब इस सब में मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय ही क्यों पिसता है उसको समझते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज ही एकमात्र ऐसा सेक्शन बचता है पूरी सोसाइटी का जिसका अपने पैसे पे सबसे कम कंट्रोल होता है। समझो कैसे, ना तो ये खुद से डिक्लेयर कर पाते हैं
कि हमारी इनकम कितनी है, वो इनकी कंपनी और सरकार अपने हिसाब से कर लेती है। ना ये बता पाते हैं कि हमारे खर्चे कितने हैं जो हमारे काम की चीजों पे लगते हैं, जैसे कि जो बिजनेस वाले होते हैं वो बिजनेस एक्सपेंस बता देते हैं चीजों को, कोई कार भी खरीदी तो उसे वो बिजनेस एक्सपेंस बता देते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय वो सब नहीं कर सकता है। ना तो इन लोगों की वो कंडीशन है कि सरकार इन्हें दूसरी तरीके से बहुत ज्यादा रिबेट देती है सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सैलरीड एम्प्लॉय है, ये अपनी जॉब कर रहे हैं, इन्हें सपोर्ट की, सरकारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे किसानों को, मजदूरों को है। अब अगर आप इस पॉपुलेशन की, जो 2% की पॉपुलेशन है जो इनकम टैक्स भी देती है और बाकी टैक्सेस भी देती है, इसका आप सब कुछ भी कैलकुलेट करोगे ना, तो ये लोग अलग अलग कंडीशंस में 30-60% अपनी पूरी इनकम का टैक्सेस की तरह से गवर्नमेंट को दे देते हैं, और बाकी जो पॉपुलेशन है देश की वो बाकी तरीकों से टैक्स देती है, वो इनकम टैक्स नहीं देती। ये सब करने के बाद देश की पूरी जनता को मिलता क्या है? क्योंकि जब हम टैक्स रेट्स कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कनाडा, यूके, अमेरिका में देखो इतना ज्यादा टैक्सेशन लगता है, पर अमेरिका में एक नॉर्मल आदमी सरकारी फैसिलिटीज उस हिसाब से यूज करता है, वहां के सरकारी स्कूल हॉस्पिटल्स उस स्टैंडर्ड के हैं कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो अफोर्ड भी कर सकता है बाहर की फैसिलिटीज, वो फिर भी सरकारी चूज करता है, क्योंकि उसे पता है एक तो सस्ता है और अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। पर इंडिया में वैसा कुछ नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे टैक्सेशन सिस्टम में ना रेट्स इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इनकम टैक्स के रेट्स एक्चुअली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, पर हम बाकी चीजों में हम कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे देशों से, क्योंकि वो डेवलप्ड नेशंस हैं। अब ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं या कोई भी कोई स्टेटमेंट पास करेगा ना तो वो बायस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से सोचने की जरूरत है कि जो टैक्स का पैसा जा रहा है उससे आपका देश बन रहा है या नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, आपके पास कोई दूसरा एग्जांपल है ही नहीं जहां पे टैक्स रेट्स एक डिसेंट लेवल पे हैं और देश में काम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी अगर आप एजुकेशन और हेल्थ केयर को फ्री करने का देखोगे तो वो शायद इतना आसान नहीं है मैथमेटिकली कि देश का पूरा पैसा आप एजुकेशन और हेल्थ केयर में लगा दोगे। रोड्स बनना, एयरपोर्ट, सी पोर्ट और इतनी सारी और चीजें हैं जो देश में अभी बननी बाकी हैं, उसके लिए पैसा नहीं बचेगा। तो ये एक बहुत ही डिबेटेबल और बहुत नुआंस वाली चीज है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, कि आपके देश में क्या इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर या देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कनेक्टिविटी हो गया या और भी बाकी सारी चीजें जो नेसेसरी होती हैं एक देश में बनना, वो जरूरी है। रही बात हाई टैक्स रेट्स की, तो इंडिया में हाई टैक्स रेट सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन को टैक्स लगाया जाता है। जो लोग खेती करके कितना भी कमा रहे हैं उन्हें टैक्स नहीं किया जाता। हाँ ऑब्वियसली सरकार ने ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि ये लोग ज्यादा कमाते ही नहीं है, पर टैक्स नेट में आने में क्या प्रॉब्लम है? सैलरीड लोगों के साथ भी तो सेम होता है कि 5-7 लाख तक अगर कोई कमा रहा है तो उसे टैक्स नहीं किया जाता, लेकिन एटलीस्ट उनकी इनकम टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल हर कोई होना चाहिए, अगर वो एक लिमिट से ज्यादा कमाता है उसे टैक्स देना चाहिए, और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए जब थोड़ी सी पॉपुलेशन पूरे देश का भार उठाएगी तो उसे टैक्स रेट ज्यादा देना पड़ेगा। पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ सोल्यूशन भी होंगे, बहुत सारे हैं, उनमें से 2-3 मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो इंडिया में इस समय अलार्मिंग स्टेज पे कि मतलब अब तो इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ही है, वो ये देश में ऐसा कोई सेक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी इनकम टैक्सेबल ना हो। हाँ हर इनकम पे एक लिमिट लगा लो कि इतनी इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना, इसके ऊपर इनकम जाएगी तो आपको इतना टैक्स देना है, पर कंट्री का हर सेक्शन टैक्सेबल होना चाहिए। ये बहुत अनफेयर है सैलरीड लोगों पे जो कि ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। दूसरा, इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो लोग जो स्टॉल्स लगाते हैं पानीपुरी के, समोसों के, इस तरीके की जितनी भी ये जो रेड़ियां लगती हैं, इस तरीके का जितने भी बिजनेसेस होते हैं, इन सब को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बहुत ज्यादा अनटैप्ड सेक्टर है जहां पे सरकार का ध्यान ही नहीं कि कितना ज्यादा पैसा यहां पे सर्कुलेट होता है। हम लोग कंजम्पशन करते हैं, हम लोग वहां जाके खर्च करते हैं, फिर उनकी इनकम कहां जा रही है हमें कुछ नहीं पता, कौन कितना कमा रहा है हमें कुछ नहीं पता। अगेन सब पे एक लिमिट होगी कि भाई इतना इनकम तक कोई टैक्स नहीं, पर उससे ज्यादा अगर कोई कमा रहा है तो उसे टैक्स देना चाहिए। उसके ऊपर से मेरे ओपिनियन में इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट्स है उस पे टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कोई प्लॉट हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गई, उस पे आप अपनी ड्यूटीज वगैरह ले लो, जो भी रजिस्ट्रेशन और उन सब चीजों की, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे टैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सब करके आप अपने ही देश में इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिस्करेज कर रहे हो लोगों को कि आप इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे, टैक्स ही देना है। हाँ सरकार के जो रीजन है वो ये बताते हैं कि अगर हम टैक्स नहीं करेंगे तो मार्केट में इंस्टेबिलिटी आएगी, जो कि सही बात है, होता है कि अगर आप टैक्स नहीं कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट सेक्टर में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो उसके लिए आप उन फैक्टर्स को कंट्रोल करो जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग सेक्शन है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इंट्राडे, ये क्रिएट करता है इंस्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो इतनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करते, वो इनफैक्ट एक बेटर चीज होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और एक जो टिप जो मैं चाहता हूं कि इंप्लीमेंट हो, पर मुझे पता है कि जिस तरीके की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारी कंट्री हमेशा रहती है वो नहीं होने वाला, कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जीरो टैक्स वालों की बात नहीं कर रहा, जो लोग कितने भी अमाउंट का इनकम टैक्स देते हैं उन्हें एक एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। वो आप जीएसटी कॉम्पनसेशन में दे सकते हो,
हो, वो बहुत सारे और तरीकों से आप दे सकते हो, पर उन्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए कि आपने टैक्स दिया है तो ये बेनिफिट सरकार आपको दे रही है, जो कि देश में किसी और को नहीं मिलेगा। अगर ये करेंगे ना तो बहुत लोग इनकरेज होंगे टैक्स पे करने में और बहुत प्राउडली बताएंगे कि यार हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं इंडिया के। ठीक है, तो इतना था इस हफ्ते की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय।